आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, आप मेरे साथ देख रहे हैं प्राइम टीवी खास कार्यक्रम प्राइम चर्चा। दोस्तों, विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं, बहुत बड़ा चुनाव होता है, बहुत बड़ी आबादी है और इन्हीं सरगर्मियों के बीच शुरू हो चुकी है दावेदारी। दावेदारी यानी टिकट की, कि टिकट किसको चाहिए और टिकट किसको मिलना चाहिए और टिकट कौन मांग रहा है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर विधानसभा की, जहां पर सदर विधानसभा से कई प्रत्याशी मैदान में हैं और अपने टिकट मांग रहे हैं। अगर मैं टिकट की बात करें तो कई लोग हैं जो पहले से सपा में रहे हैं, समाजवादी पार्टी में रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि समाज सेवी ग्रुप में अपनी पहचान बनाए हुए हैं और अब समाजवादी पार्टी में जुड़कर टिकट मांग रहे हैं सदर विधानसभा से, और जिससे विरोधियों में एक हलचल सी मच गई है और विरोधी लगातार परेशान हो रहे हैं कि अगर इनको टिकट मिल गया तो ऐसा ना हो कि तख्ता पलट हो जाए और हमारी दावेदारी को कहीं ना खतरा मिल जाएगा और इसके साथ ही जीत कर एक दोबारा इतिहास भी बना सकते हैं। तो अगर हम जो बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं हमीरपुर की सदर विधानसभा सीट की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण सीट है। कई बड़े फेरबदल हुए हैं, कांग्रेस भी रही है, बसपा भी रही है, भाजपा भी रही है और कई बार यहाँ पर उपचुनाव भी हुए हैं। तो सदर विधानसभा सीट से जो इस समय समाजवादी पार्टी में जुड़ के हाल में ही जुड़े हैं और दावेदारी पेश कर रहे हैं, उनका नाम संजय दीक्षित है। और संजय दीक्षित वो नाम है जो कि राजनीति में नया नहीं है, पहले भी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके साथ ही साथ वो एक समाजसेवी के रूप में भी काफ़ी विख्यात हैं। तो समाज सेवी का राजनीति से गहन संबंध इसलिए भी है क्योंकि समाज सेवा नहीं होगी तो राजनीति नहीं होगी, राजनीति नहीं होगी तो समाज सेवा कैसे होगी। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज सेवा के लिए ही राजनीति में आते हैं। तो संजय जी, हमारा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी भैया, प्राइम टीवी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। संजय जी, हर आदमी का एक उद्देश्य होता है राजनीति में आने का, कि हम राजनीति में आएंगे, हमारा ये प्राथमिकताएं रहेंगी, हम ये करेंगे, हम ऐसा करने वाले हैं। आप पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, एक बड़ा अनुभव होता है, बड़ा पद होता है, तो क्या अनुभव रहे आपके जिला पंचायत अध्यक्ष के? भाई साहब, जब मैं बहुत ही कम उम्र में 27 साल की उम्र में जिला पंचायत का अध्यक्ष बना था, तो उस समय क्षेत्र में बेरोजगारी, हमीरपुर में पेयजल की समस्या, ग्रामीण में ग्रामीण रोजगार की समस्या, ग्रामीणों शिक्षा की समस्या, बहुत सारी समस्याएं थी जिसके लिए मैंने प्रयास किया था कि लोगों को सहूलियत दे सकूं। ये हमीरपुर जिला बहुत ही पिछड़ा हुआ जिला है, यहाँ पे लोग जो है अभी भी हर स्तर से पिछड़े हुए हैं, किसी भी क्षेत्र में आप बात कर लें। अगर मैं बात करूं बुंदेलखंड क्षेत्र की, बिल्कुल जाहिर सी बात है हमीरपुर क्षेत्र भी बुंदेलखंड क्षेत्र के आसपास ही है, लगातार इन क्षेत्रों के लिए बात होती है पर कहीं ना कहीं विकास का जो धारा है उनसे क्षेत्र कई कोसों दूर है, काम नहीं होता है, बातें होती हैं। कई बड़े नाम ऐसे हैं जो कि इस क्षेत्र से आते हैं, आपको जानकारी है, साध्वी निरंजन ज्योति की भी हम बात करें, पर अब तक अगर विकास की बात करें तो विकास यहाँ पर नहीं हो पाता, क्या मानते हैं, क्या कारण है? अब इसका कारण यही है कि जो है जो पुराने जनप्रतिनिधि रहे हैं या जिन लोगों के आप नाम ले रहे हैं, उनका लोगों का उनका क्षेत्र में विकास के प्रति रुचि न होके अन्य कार्यों के प्रति रुचि रही है, जिस वजह से इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया है। मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधि जो भी हो, शिक्षित हो और विकास के लिए उसकी प्राथमिकताएं तय हो कि इस क्षेत्र का विकास कैसे किया जा सकता है। युवा नेता है और युवा के साथ साथ कुछ जिम्मेदारी भी होती है, कहीं अनुभव भी होता है, तो यो युवा होने का फायदा आपको कहां तक मिला इस राजनीति में? अब युवा होने का यही फायदा है कि अभी भी, अब जो बहुत कम उम्र में मैंने राजनीति शुरू की थी, अब मैंने आपको बताया कि 25 साल की उम्र में मैं पहले जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था, उसके बाद मेरी माता जी भी दो बार सदस्य रही और मैं पिछला विधानसभा चुनाव भी लड़ा। युवा का फायदा ये होता है कि युवा लोगों की समस्याएं जान सकते हैं, उनके बीच में बैठ के वो हमारी अपनी बात हमसे कह सकते हैं और हम भी उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। व्यक्ति हिचकिचाएगा नहीं, अगर अपने से उम्र के ज्यादा लोग हैं तो थोड़ा सा संकोच करते हैं लोग बात करने में, अपनी बात कहने में और समझने में भी, चूंकि हमारा भी मेंटल स्टैंडर्ड जो है उसी सोच का है, जो क्योंकि इस देश को आप भी समझते हैं कि युवा ही लोग बढ़ा रहे हैं और आगे चल के वही भविष्य है, तो निश्चित तौर पर राजनीति में भी युवा लोगों का आना चाहिए, क्योंकि वो जो फेस कर रहे हैं, कोई भी समस्या हो, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या हो या हेल्थ की हो या एजुकेशन की हो,
तो वो जो समझ जो फेस करेगा वही तो जानेगा। अब जो लोग वो फेस करके निकल चुके हैं, वो उस बारे को ज्यादा जानकारी नहीं रखते मेरे ख्याल से। क्या मानते हैं जिस तरह से आज का चुनाव चल रहा है, तमाम पार्टियां अलग अलग एजेंडे के साथ जा रही हैं, और व्यक्ति का एक अपना एक एजेंडा भी होता है कि जो पार्टी से अलग होता है, क्योंकि हर क्षेत्र की अलग अलग समस्याएं होती हैं, अलग अलग जरूरतें होती हैं। तो पार्टी से एजेंडा क्या एक अलग एजेंडा आपने बनाया है जो एजेंडे को लेकर जनता के बीच जाने का प्रयास करेंगे? हाँ, इस जिले में जब आप कभी पूछेंगे लोगों से, हमीरपुर विधानसभा के लोगों से, मैंने यहाँ पे कॉलेज बनाए हैं एजुकेशन के क्षेत्र पे, जो बच्चे दूर जाते थे, टेक्निकल कॉलेज भी बनाए हैं जो बच्चों को एजुकेशन नहीं हो पाती थी। मैंने एक बहुत बड़ी गौशाला का भी निर्माण किया है। ऐसे मैंने बहुत सारे काम यहाँ पे लोगों के लिए किए हैं, जिससे लोगों को, और आगे आने वाले समय में भी, जो मुझे लगता है तीन ही मुद्दे तो तीन ही है पूरे देश के, मुद्दे वही तीन है, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा। अगर अगर सारी राजनीतिक पार्टियां इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ें, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, तो निश्चित तौर पे काम पे ही आधार पे वोट मिलने का ही आधार रहेगा। और जो 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 का, और काम यही कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, जिसकी चर्चा लोग अब नहीं करते हैं, मुद्दों को कहीं और भटकाने का प्रयास करते हैं। मेरे ख्याल से अगर मेरे को अवसर मिलेगा या पार्टी मेरी इस लायक समझेगी, तो मेरा फोकस इन्हीं तीन चीजों में रहेगा, हेल्थ, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए मैं लोगों के बीच में काम करूंगा। पहले बसपा में रहे और अभी हाल में ही समाजवादी पार्टी में जी अपने जुड़े हैं, क्या जी मानते हैं विचारधारा में कहाँ अंतर पाते हो, क्या बेहतर है इन पार्टियों में आपस में? देखिए देखिए, दो चीज समझिए। अंबेडकर साहब की विचारधारा और लोहियावादी लोहिया जी की विचारधारा, दोनों पैरेलल विचारधारा हैं। समाज के निचले तबके के लोगों को, समाज के पिछड़े तबके के लोगों को, हर हाथ में काम और सम्मान की विचारधारा है। ये आपस में कहीं कंट्रैक्ट मतलब कंट्राडिक्टरी नहीं है कि एक दूसरे के अपोजिट है। और जबकि आरएसएस की विचारधारा, जो कि बिल्कुल उल्टी है, तो मैं एक एक समानांतर विचारधारा की पार्टी में गया हूँ, मुझे जुड़ने में कोई उसमें बहुत अंतर नहीं है कि मैं समाजवादी और बहुजन समाज की विचारधारा में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए मुझे कोई समस्या नहीं आ रही। और फिर मैं, चूंकि मैं जिस पार्टी में रहा, किसी की बुराई करना ठीक नहीं है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने सारे काम करना बंद कर दिए। अगर कोई व्यक्ति काम करने वाला है और क्षेत्र में काम करना चाहता है, लोगों के बीच में रहना चाहता है, और उसको अगर आप अवसर नहीं देंगे, तो या तो वो काम करने लायक नहीं रहेगा। अगर काम करना है, तो आपके पास केवल समाजवादी पार्टी के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए मैं समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया। युवा नेता हैं, लगातार राजनीति में जुड़े हुए हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे हैं, जी चुनाव को और राजनीति को बड़े बारीकी से देखा है आपने, क्योंकि आपने बताया कि आपका परिवार में भी जी कई लोग राजनीति में सक्रिय रहे हैं। तो ये जी क्या मानते हैं कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी में पहले मुलायम सिंह जी के नेतृत्व रहा, अब अखिलेश जी नेतृत्व कर रहे हैं, तो अखिलेश जी के नेतृत्व में ऐसी क्या खास बात है कि युवा उनसे खास तौर पर जुड़ रहे हैं? अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच बहुत सकारात्मक है, वो निश्चित तौर पे जो है वो इस पूरे पूरे प्रदेश की जनता के सुख दुख के इस बारे में समझते हैं, वो यहाँ के लोगों की समस्याओं के बारे में जानते हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, और उनका उन उनका उनका उनकी उनका जो है उनकी सोच एकदम साफ है कि नौजवान को, हर नौजवान को रोजगार देना चाहिए, लोगों के स्वास्थ्य की सुविधाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। जैसे बुंदेलखंड में ही है, इसके पहले बहुत सूखा पड़ा हुआ था, उन परिस्थितियों में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहाँ बहुत मदद करने के प्रयास किया, यहाँ पे जो है बहुत सारे काम किए, उनकी सोच से प्रभावित होकर युवाओं और नौकरी देने का काम, उन्होंने बहुत सारी नौकरियां देने का काम किया। अब तो मुझे लगता है कि अखिलेश जी के अलावा इस प्रदेश में कोई और विकल्प नहीं है। चुनाव नजदीक है, सरगर्मियां बहुत तेज हैं, टिकट की दावेदारी भी हो रही है, तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष, क्योंकि विपक्ष में आज इस समय समाजवादी पार्टी बिल्कुल प्रखर है और लगातार भारतीय जनता पार्टी को जी कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है, चाहे वो रैलियों के माध्यम से जी हो, चाहे जनविश्वास यात्राओं के माध्यम से हो, या सभाओं के माध्यम जी से हो। जी जी तो क्या मानते हैं किस तरह का ये चुनाव होने वाला है, आपकी नजर से क्या देखते हैं इस चुनाव में, कहाँ तक भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की जो आपस में जो टक्कर है वो कहाँ तक सफल होगी? अब भारतीय जनता पार्टी जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो सरकारी कार्यक्रम हो रहे हैं। आपको आपने देखा होगा कि सरकारी तंत्र, सरकारी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से पब्लिक को, जो जो जिन पब्लिक को उन्होंने सरकारी आवास दिए हैं या जो दिए हैं, उनके ऊपर दबाव बना के प्रधान के माध्यम से अपने कार्यक्रम कर रहे हैं। उसके विपरीत अखिलेश यादव जी की रैलियों में लोग अपने पैसे से, अपने साधन से
बहुत सारी भीड़ लोगों में इस प्रदेश में परिवर्तन करने के भावना से अखिलेश जी के कार्यक्रम में हो रही है। तो आप इससे ही समझ सकते हैं कि जो है कि अखिलेश जी के लोग के जनसभाओं में या कार्यक्रमों में बगैर संसाधन के लोग पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ पूरा सरकारी सरकारी तंत्र उस कार्यक्रम में लगा हुआ है। परिवर्तन साफ दिख रहा है, अखिलेश जी देश में बहुत आगे हैं, सबसे आगे हैं, और निश्चित तौर पर इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 2017 में अशोक चंदेल जीते और फिर 2019 के उपचुनाव में युवराज सिंह जीते हैं। आपको पता है आप इस जी क्षेत्र के निवासी हैं, अगर इनके कार्यकाल की हम बात जी करें तो कहाँ तक कार्यकाल इनका रहा है, क्या जरूरतें रही जो इन्होंने पूरी की हैं, और ऐसे कौन से काम है जो अभी होने बाकी जो अब तक नहीं हुए हैं, जबकि सरकार लगातार बोलती है कि हम सबसे बेहतर काम कर रहे हैं। नहीं, आप अगर बेहतर हो कि आप उनसे ही पूछ लें कि आपने दो कौन से काम अच्छे किए हैं, अगर वो दो काम भी गिनवा दें तो मैं बता सकूं। मुझे तो नहीं लगता कि उनके कार्यकाल में कोई भी काम हुआ है। अखिलेश जी इसके पहले जो चंदेल साहब थे वो विधायक चुने गए भारतीय जनता पार्टी की, उस समय लहर थी, मैं भी चुनाव लड़ा था उस बार, 60,500 वोट पाया, लेकिन वो कुछ माहौल में चुनाव जीता गया और किस तरीके से वो चुनाव हुआ वो समय अलग था। लेकिन इस जिले की अगर मैं बात करूं, इस जिले में आप अगर जब भ्रमण करोगे तो यहाँ हमीरपुर से कालपी का जो रोड बना है, राष्ट्रीय अखिलेश जी ने इसको 4 लेन रोड बनवाया, इसके अलावा बहुत सारी विकास की योजनाएं थी, यहाँ पे बाईपास बनवाया, बाईपास में डबल पुल पास कराया, बहुत सारी योजनाएं थी। लेकिन इन्होंने यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ कि इन 5 सालों में बार बार मेडिकल कॉलेज के नाम लेते रहे हमीरपुर में, लेकिन कहीं पे भी आज तक कुछ भी काम नहीं हुआ, ना तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, यहाँ पे लोग मरते रहे कोविड पीरियड में, लोगों का इलाज नहीं हो पाया, और लोग मुझे भी फोन करते रहे कि भैया मेरी ऑक्सीजन नहीं। तो आप देख लें स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे सड़क के क्षेत्र में, आप गाँव में चले जाएं सारे रोड टूटे पड़े हुए हैं, आप चाहे जो है पानी की समस्या, पेयजल समस्या 5 साल सरकार को हो गया, पर इन 5 सालों में अभी भी इस मोदहा क्षेत्र के गाँव में पानी नहीं पहुंच पाया। आप पता कर सकते हैं, मैं झूठ बोल सकता हूं लेकिन लोग, पब्लिक झूठ नहीं बोल सकती, आप उनसे पता कर सकते हैं। मुझे तो लगता है कि अगर इन्होंने कोई काम किया है तो घरों में रहने का काम किया है, और वहीं से जनता वैसी की वैसी जो 17 में थी, 17 में जिस हाल में थी वो 22 में भी वही हाल में है अभी तक। राजनीति अलग है और समाज सेवा अलग है, आपकी पहचान समाज सेवी के रूप जी में भी है, तो समाज सेवा के रूप में जी और राजनीति में क्या कैसे सामंजस्य बैठाते हैं, क्योंकि समाज क्यों राजनीति के माध्यम से ही समाज सेवा हो सकती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राजनीति के लिए, समाज सेवा के लिए ही राजनीति में आते हैं, तो इस दोनों चीजों में सामंजस्य कैसे बैठता है? देखिए, इस राजनीति से, राजनीति एक माध्यम है सेवा करने के लिए। अगर आपका पर्पस सेवा करना है तो आप सेवा राजनीति में आके भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। मैं और मेरा परिवार 2011 से पहले जब मैं राजनीति में नहीं था तब भी सेवा कर रहे थे, पद में रहे तब भी सेवा किए, नहीं रहे तब भी सेवा किए। तो उसमें कोई ये बांडर्शन नहीं है कि आप राजनीति में हैं तभी आप लोगों का काम करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, ये आपको, ये एक सतत प्रोसेस है। अगर आपको ईश्वर ने कुछ दिया है, आपको किस लायक बनाया है, तो लोगों की मदद करनी चाहिए, लोगों के बीच में खड़े होने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जैसा आपने कहा कि समाज सेवा बहुत जरूरी है और राजनीति में लोग समाज सेवा के लिए ही आते हैं, अभी हाल में आप देख रहे हैं लगातार देश में ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, पिछली बार भी दूसरी जी लहर आई थी, बड़ी संख्या में लोगों की मौत भी हुई थी, आंकड़ा जी किसी छुपा नहीं है, जी जानकारी आपको भी रहेगी। तो इस बार क्या मानते हैं, क्योंकि आप भी जनता के नेता हैं, तो अगर जनता आपके लिए मांग करेगी, आपकी सहायता की मांग करेगी, तो क्या उसकी कोई व्यवस्था की है, कुछ इसके लिए तैयारी की है इसको? बिल्कुल निश्चित तौर पर सब लोगों की मदद की जाएगी। हम लोगों के पास, हमारे पास कॉलेज हैं, अगर किसी को समस्या होगी, अगर आइसोलेशन वार्ड बनाने के लिए, हमने पिछले पहले भी कहा था लोगों को, अगर खाने पीने की प्रॉब्लम होगी तो भी करेंगे, जो भी जो लोग समस्या बताएंगे, जो भी हो सकता है मैक्सिमम मदद करने की कोशिश की जाएगी। आप इस समय देख रहे हैं चुनाव में अलग अलग वादे हो रहे हैं, हमारी पार्टी आ रही है तो 300 यूनिट बिजली दे रही है, कांग्रेस आई तो जी कांग्रेस ने स्कूटी दी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया, 40% जी महिला को सीट जी देने की बात कर रही है, भारतीय जनता पार्टी अलग वादे कर रही है, टैबलेट ऑफ दिए जा रहे हैं, स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं, क्या मानते हैं कि क्या यही युवाओं के लिए आवश्यक है, या युवाओं के लिए सबसे बड़ी जो चीजें हैं वो है रोजगार? अब तक उस मामले में कहां तक मानते हैं, क्या ये चीजों को देना बेहतर होगा या स्थायी तौर पर उनकी समस्याओं का निराकरण बेहतर परिणाम देकर आएगा? देखिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, अगर सरकारी स्कूलों में शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो जाए और एजुकेटेड लोग एजुकेटेड हो जाएंगे तो रोजगार भी स्वयं ही ढूंढ सकते हैं। अभी सरकारी स्कूलों की और जो भी स्कूल्स हैं और जो भी कॉलेज हैं उनकी एजुकेशन सिस्टम में आप देख लीजिए पूरा कोलैप्स कर गया है। सरकार डिग्री कॉलेजों में टीचर नहीं है, सरकारी स्कूल्स में मास्टर किस तरीके से पढ़ाते हैं,
और तो एजुकेशन सिस्टम उत्तर प्रदेश सरकार में फेल है। सो वही बच्चे जो है टैलेंटेड बच्चे आगे नहीं निकल पे आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो है बेसिक रूट्स में लैपटॉप और टैबलेट से और ये सारी चीजें नहीं हो सकती, क्योंकि लैपटॉप और टैबलेट या मोबाइल फोन ये तो एक एक इस चीज है कि प्रलोभन देने के लिए। ऐसे समझ लीजिए कि जब कोई बच्चा पढ़ाई नहीं करता है तो उसमें अपनी कॉपी में राम राम लिख देता है, या टीचरों को खुश करने के लिए 500 रुपए का नोट रख देता है। तो ऐसे समझ लीजिए कि ये सरकार इस तरीके से कर रही है कि गरीब लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए या तो फ्री गल्ले की योजना हो, या बच्चों के लिए इस तरीके से उन लोगों को जो है इम्प्रेस करने का प्रयास करिए, जो मुझे लगता है कि निरर्थक है। अगर यही चीज रोजगार के लिए, यहाँ पे जो और साधन है, जो जो लोकल चीजें हैं उनको बढ़ावा दें, और इसके अलावा एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त करें, तो निश्चित तौर पर लोगों को रोजगार मिल सकता है। अगर पार्टी आपको मौका देती है, आपको टिकट देती है, उसके बाद जनता आपको विधायक बनाती है, तो ऐसी कौन कौन सी बात या कौन कौन सी जरूरतें आपकी समस्या आपकी प्राथमिकताओं में शामिल होंगी जिनका सबसे पहले आप निराकरण करते नजर आएंगे? मैंने आपसे पहले भी पूछा, यहाँ मोदा क्षेत्र के कई गांवों में पेयजल की समस्या है। हेल्थ हेल्थ में अगर यहाँ पे अब समझ लीजिए कि अगर कोई 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 महिला को प्रेगनेंसी है और ऑपरेशन थिएटर में है, तो देर इज नो एनेस्थीसिया डॉक्टर, यहाँ पे कोई रोज करने वाला डॉक्टर नहीं है। वो हर चीज का, ये जो हमीरपुर का सरकारी अस्पताल है, ये डिस्चार्ज हॉस्पिटल है, यहाँ आइए और डिस्चार्ज हो जाइए दूसरी जगह के लिए, कानपुर के लिए। तो मैं हेल्थ के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, ये तौर पे भी मैंने स्कूल्स बनवाए हैं और सरकार की तरफ से भी प्रयास करूंगा। और इसके अलावा रोजगार के लिए मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे फैक्ट्रीज एरिया हो, वहां पे भी काफी काम हो, कुछ फैक्ट्रीज आए और रोजगार दे सके हम लोग, ये सारी प्रायोरिटीज रहेंगी। युवा नेता भी हैं और साथ ही साथ पुराना अनुभव भी रहा है और शिक्षाविद भी हैं, जैसा आप बताया कि आपने कॉलेज बनाया है, तो युवाओं जी को क्या संदेश देना चाहेंगे युवा नेता होने के नाते? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में परिवर्तन के लिए आप सब लोग तैयार रहिए, और लोगों को जो है, और चूंकि ओमिक्रॉन भी आ रहा है, कोविड भी आ रहा है, तो अपने आप को स्वस्थ रखते हुए आगे वाली सरकार को बदलिए ताकि विकास के, रोजगार के रास्ते खुल सके। मीडिया एक बहुत सशक्त माध्यम है अपनी बात कहने का, तो जाहिर सी बात है कि आप भी देख रहे हैं और देश की जनता भी देख रही है, प्रदेश की जनता भी देख रही है, और साथ ही साथ देख रहे हैं हमीरपुर के जो निवासी वो भी देख रहे हैं। तो हमारे प्राइम टीवी के माध्यम से हमीरपुर की सदर विधानसभा की जो क्षेत्र की जनता है उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा कि प्राइम टीवी एक अच्छा चैनल है, आप इन लोगों को, और मैंने अभी फिर से पूरी बात आपके सामने रख दी है कि लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि जब भी आप जनप्रतिनिधि चुनने चाहें तो एक एजुकेटेड, शिक्षित और संस्कारवान जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं, जिससे अपने अपने अपनी बातें कह सकें, उसका हाथ पकड़ के अपना काम करा सकें, क्योंकि चयन बहुत जरूरी है। जब चयन में करने में गलती हो जाती है तो लोकतंत्र में एक यही एक विषय है कि 5 साल में ही आप बदल सकते हैं, तो ये गलती मत करिएगा। जो भी आपको लगे कि क्षेत्र में जो भी लगे कि जो बेटर है या जो भी अच्छा उम्मीदवार है, उसको वोट करें, उसको जिताने का काम करें और अपने क्षेत्र के विकास के रास्ते को खोलें। तो ये थे हमारे साथ संजय दीक्षित जी। इनका कहना है कि देश के युवाओं पे बड़ी जिम्मेदारी है, और प्रदेश के जो लोग हैं, जो देश देश की जनता है, प्रदेश की जनता है, हमारे क्षेत्र की जनता है, वो एक बेहतर मिसाल पेश करे। किसी पार्टी को ना देखे, एक कैंडिडेट को देखे, प्रतिनिधि को देखे, अगर वो बेहतर है तो निश्चित रूप से उसको मौका देना चाहिए, क्योंकि जब तक आप मौका नहीं देंगे तब तक आप समझ नहीं सकेंगे कि वो आपके लिए क्या कर सकता है। पुराने चेहरों को तरजीह देने के अलावा उन्होंने कहा है कि युवा नेतृत्व को भी तरजीह दे, जिससे आगामी चुनाव में हम एक बेहतर उसका प्रदेश में एक बेहतर हमीरपुर सदर विधानसभा का निर्माण कर सके, जो कि बेहतर संदेश देके जाएगा युवाओं के लिए भी, देश के लिए भी, और हमीरपुर की सदर विधानसभा की स्थानीय जनता के लिए भी। तो प्राइम चर्चा में आज इतना ही, अगली बार किसी नए मिलाकर होगी मुलाकात। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।